सांप गुर्राए अर्ज पे पाए जाने वाले खतरनाक हशरातुल अर्ज हैं। लेकिन जिसे सांप पालने का शौक हो वो किसी खतरे से नहीं डरता, बस पूरी तवज्जो अपने शौक को दे देता है। जैसे आप लोगों ने देखा कल हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे मुख्तलिफ किस्म के तोते, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसे सांप पालने का बेहद शौक है। चले देखते हैं इनके पास किस किस तरह के सांप मौजूद हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खवातीन नज़ार अली तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज मेरी और अली भाई की फैमिली मुकम्मल हो गई है। खवातीन नज़ार, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपका फॉर्मल तारुफ कर रहा हूँ, पेट वीक चल रहा है। मेरी हमशीरा जी डॉक्टर शाइस्ता जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा एक कोबरे को डेयर के साथ किस किया। आज वो कोबरा, आपको पता है कि किसी ने उस कोबरे के बारे में हमें नहीं बताया, वो इतनी अलमनाक मौत का शिकार हुआ। जिस तरीके से शाइस्ता को तो पूरे पाकिस्तान ने सराहा, TRP बढ़ गई, रेटिंग्स बढ़ गई, लेकिन उस कोबरे के साथ उसके ख़ानदान वालों ने जो किया। हमारे साथ दो मेरे छोटे भाई मौजूद हैं, भाई कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके हाथ में बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, एक हसन और एक हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आपसे ज़्यादा इन मेहमानों का शुक्रिया जो आके बड़े प्यार मोहब्बत से बैठे हुए। इनका क्या नाम है, इनके कोई नाम वाम रखे हुए? नाम तो वैसे सच कुछ अभी रखे नहीं। ये स्कूल जाते हैं? नहीं। इनको क्या पढ़ाई बढ़ाई, ये बड़े होके क्या बनेंगे? पॉलिटिशियन बनेंगे बड़े होके ये हैं, ये स्पोर्ट्समैन बनेंगे, मतलब हर फील्ड में। इनमें से आस्तीन वाला कौन सा, क्योंकि मेरी आस्तीन तो बहुत छोटी है मेरे दोस्त। आस्तीन में डाल दे, आस्तीन का सांप बन जाए। अच्छा खैर, ये जोक से साइड हसन, ये एक बड़ा डेयरिंग किस्म का शौक होता है और इसको, इस शौक को पूरा करना बड़ा महंगा भी होता होगा नेचुरली, इनकी फील्ड और वो सारा। तो ये शौक कैसे हुआ, कब हुआ ये? मतलब नेशनल ज्योग्राफी मुझे बचपन से ही शौक था रेप्टाइल्स पालने का, कोई अलग चीज़ पालने का। तो फिर उसके बाद मैं अभी 1.5 साल पहले फिर मुझे शौक हुआ, तो फिर मैंने एक नॉर्मल सैंड बुआ पाला था। पहले एक नॉन वेनमस सांप होता है, वो मिट्टी का सांप होता है, तो उससे मैंने पहले स्टार्टिंग की। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने पाइथन पे बड़े पे आया। ओके, ये पाकिस्तानी है, इम्पोर्टेड हैं, पाकिस्तान से लिए गए? ये वाले, ये जो इंडियन रॉक है, ये सारे पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। इनका नाम है इंडियन रॉक, इंडियन रॉक पाइथन कहलाते हैं। ये पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं। ओके, ये तीन जगह। और जो ये भाई के हाथ में एल्बिनो बर्मीज पाइथन, पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, और ये है जंगलों में भी नहीं मिलते, कैप्टिव ब्रीड है। अच्छा, ये साइंटिफिकली ब्रीड निकाली गई है और ये मैंने USA से इम्पोर्ट करवाया है। और ये बेसिकली एल्बिनो, इसको इसलिए कहा जाता है इसके जो व्हाइट और येलो। बिल्कुल। और ये सब जो है नॉन पॉइजनस है, पाइथन सारे नॉन पॉइजनस होते हैं। तो आप लोग, मतलब इसमें हमने अक्सर देखा है टेलीविजन पे, अली भाई इसको सेकंड करेंगे, कि बाज़ुकात व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, व्हेन एनिमल्स अटैक, वो इस तरह की वीडियोस एक से टीवी पे चल रही होती हैं, उसमें पाइथन एक्चुअली वो आपको पकड़ के जब खींचना, जब आपसे ईद मिलता है प्रॉपर तरीके से, तो ये मतलब एक्सपेक्टेड होता है या नहीं? नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं होता, लेकिन जैसे इनके एक फीडिंग टाइम पे इनको तंग ना करा जाए। ओके, ये फीडिंग, ये होते हैं कलर ब्लाइंड, इनको नज़र नहीं आता, सिर्फ इनको हीट जिस चीज़ से निकल रही होती है ना, वो चीज़ नज़र आती है। ओके, इसलिए लाइफ चीज़ें खाते हैं, लाइफ चिकन रेबिट वगैरह। अच्छा, तो फीडिंग टाइम पर इनको समझ नहीं आता हाथ, इंसान का हाथ कौन सा है और इनकी फीट कौन सी है, हीट निकल रही होती है। ओके, तो इसलिए अटैक कर सकते। तो फीडिंग टाइम्स इनके क्या होते हैं? इनके हफ्ते में एक दफ़ा। हफ्ते में? आज वो वाला टाइम तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पक्की बात है, वरना पहली तो वस्तु आपको यहाँ बिठा दूँ। संडे संडे, संडे के संडे। अच्छा, और इनकी फीड बेसिकली, ये तो जो पाइथन जो है, ये तो वेजिटेरियन होते हैं? गोश्त खाते हैं? मुर्गी खा लेते हैं, खरगोश, कबूतर, ये सारी चीजें। तो आपके पड़ोसी तो बेचारे जो हैं, वो उन्होंने मुर्गियां पालनी तो छोड़ दी होंगी। नहीं, पड़ोस में भी मुर्गियां नहीं पाली। बट इज इट एक्सपेंसिव, मतलब आपको इनको हफ्ते में एक दफा जब फीड करते हो तो कितनी, कोई कितने केजीज के हिसाब से फीड होती है, पाउंड्स के हिसाब से फीड? नहीं, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। ये बड़ा वाला खाते हैं 15 दिन में एक दफा मुर्गी, अच्छा 2 किलो की, और ये छोटे वाले खाते हैं हफ्ते में 4 चूजे। 4 चूजे एक दफा, यानी 4 चूजे 50 रुपए में पड़ते हैं। अच्छा, हफ्ते में एक दफा से, और ये महीने में, यानी बड़ा वाला ये 3 से 4 मुर्गियां खाते, छोटे वाले ये 20 से 30 चूजे। अच्छा, तो अगर किसी ने शुरू करना हो शौक को, और जैसे मैं या अली तबस्सुम साहब आज इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारा बेसिक कहाँ से हम शुरू कैसे करना चाहिए हमें? आप सबसे बिगिनर्स के लिए सबसे पेट स्नेक होता है सैंड बुआ। सैंड बुआ, सैंड बुआ, इसमें बुआ तो हमारे यहाँ फुफो को कहते हैं, रेतीली फुफो, उसको हम क्या कहें, सैंड बुआ। जी, सैंड बुआ ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और ये
ये भी नॉन वेनमस होते हैं। अच्छा। और ये इनकी लेंथ 2 से 3 फीट ज्यादा बड़ी नहीं होती। और थिकनेस क्या होती है? थिकनेस ये 1 इंच या 2 इंच। ओके। और ये बहुत ही काम स्नेक होते हैं, मिट्टी में पूरे दिन पड़े रहते हैं। ऐसा इनकी ज्यादा मूवमेंट है, उसकी इतनी भी मूवमेंट नहीं होती। ओके। यानी वो 8 से 10 साल का बच्चा भी पाल सकता है। ओके। यानी इसकी से शौक है स्टार्ट करने के लिए, तो वो उससे पहले स्टार्ट करें, वो 2-3 महीने पालें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाइथन्स पाएं। अच्छा, ये बताएं कि सांप और बांसुरी का आपस में क्या रिलेशन होता है? सांप और बांसुरी ऐसा सच कोई रिलेशन नहीं होता। कोबरा जो होता है वो बांसुरी को सुन नहीं सकते। ये लोग वो मूव जो कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए ऐसे से वो कोबरा हिल रहा होता है, वरना ये सुनते नहीं है। वो कहते हैं डांस कर डांस कर, वो सिर्फ उसके सपेरे का जो हाथ है वो भी हिल रहा होता है और बांसुरी भी। तो वो बेसिकली हाथ की मूवमेंट को फॉलो कर रहा होता है। और ये जो पंजाबी फिल्मों की हीरोइन जो हिल रही होती है इस तरह, ये भी हाथ की मूवमेंट होती है डायरेक्टर साहब ने जो, या बांसुरी बज रही होती है वहां पे? डायरेक्टर साहब की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा अली भाई, आज हम डेयर करेंगे आपको, ठीक है? मैं ये जो बड़े वाला पाइथन है, मैं चाहता हूँ कि आज आप इसको, चले किस वाला काम मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ, लेकिन आप इसको अपने गले में तो मतलब डाले, बच्चों बच्चे कहेंगे पापा ने आज गले दे सब पाया। नहीं, मुझे तो छोटे वाला सलमान अच्छा लग रहा है, ये जो वाइट एंड येलो इसमें कलर में। हाँ। और बड़ा तो मुझे एंडाकोंडा का छोटा भाई लग रहा है। एंडाकोंडा? अच्छा, एनाकोंडा हो जाए। एनाकोंडा एक वो अमेरिकन पॉलिटिशियन भी है, आई डोंट नो, उनके नाम के साथ भी कोंडोलिज़ा वो। अच्छा। हाँ, रखता नहीं, है। मैं तो वो जैसे वो आते हैं ना रात में कभी, जैसे एनाकोंडा इसमें स्नैक की बहुत, वो शीप बिल्कुल उलट देता है और वो सी के अंदर होता है और बहुत ही वो हमारा तो हमारे घर पे नौकर है बशीर, कहता है हाय हाय बाजी एनाकोंडा। अच्छा, ये इसका जो हम जो बड़े, इसका जो मैक्सिमम लेंथ होती है बड़े वाले जो, ये जो आपके पास, जैसे हाउ बिग डज इट गेट हसन? ये ज़्यादातर जो अभी ये वाली स्पीशी है इंडियन डॉग, ये 15 फीट 14 फीट अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है सिर्फ 14.8 सब कॉन्टिनेंट से। वो सबसे इंडियन डॉग में सबसे ज़्यादा जो लंबा रिकॉर्ड किया है 15.5 फीट है, वो भी पाकिस्तान में सियालकोट में पाया गया था। वो ये सियालकोट ही भी क्यों पाया जाता है? जरूरी नहीं सिर्फ सियालकोट, या सिंध में सांगर के साइड पर पाए जाते हैं, यानी जहाँ रिवर इंडस रिवर की साइड पे, फिर ऊपर से जो रावी चनावर उस साइड पे। यानी आप क्या कहना ये चाह रहे हो कि फिरदौस आशिक अवान साहब के शहर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं। अच्छा, नहीं। कॉलर हमारे साथ लाइन पे, उनसे पूछ लेते हैं उनका ताल्लुक कहाँ से। जी सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सांप ले लो। अली भाई, आपका शो बहुत जबरदस्त आ रहा है, आपकी जो नई थीम और नया आइडिया और ये जो पाइथन्स लेके बैठे हैं, मुझे तो टीवी पे देखकर ही इतना डर लग रहा है, आप इनके साथ कैसे बैठे हैं? बेटा मैं देखो तुम्हारा भाई हूँ, तुम डरने की बात कर रही हो, ये देखो मैं हसन को कितना प्यार कर रहा हूँ, ये देखो इसमें डरने की क्या बात है, मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, वो पाइथन को प्यार कर रहा है, आप हमें डर रही हो देख के हमें। अच्छा अली भाई, मुझे अली तबस्सुम भाई से बात करनी है। बिल्कुल करें। हाँ जी, बात कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है, मेरी बहन ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक। मैंने लास्ट टाइम कॉल की थी आपको, लेकिन होल्ड पर रह गई थी, मुझे आपसे बात करनी थी, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ 2 वीक से। मुझे अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाना है, प्लीज मुझे उसके बारे में जरा बता दें। ठीक है, अपना नाम बता दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। मेरा नाम है सादिया। सादिया। फर्स्ट जून 1991। सादिया, मदर नेम बताएं मेरी बहन जी। वालदा का नाम बता दें प्लीज। उस्मा। ओके। अली भाई, आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या करना है, क्या मुझे स्टोन भी बताएं आप सारे। और पूरा बताइए कि किस तरीके से मैं बाहर जा सकती हूँ, मेरे लिए जाना सही रहेगा नहीं रहेगा? आपने पहले भी मेरे बताया था पढ़ाई का, मुझे उससे बहुत फायदा हुआ था, आपने मुझे रुखराज बताया था स्टोन, अभी भी मुझे आप पढ़ाई के लिए स्टोन बताएं बस। वेल ठीक है सादिया, यू बिलोंग टू जेमिनी जिसे हम बुर्जोजा कहते हैं, यहाँ पे आपकी प्लैनेटरी पोजीशन थर्ड हाउस में बहुत अच्छी है, थर्ड हाउस में सन आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, अगले 2-3 साल एजुकेशन से रिलेटेड आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इन बिटवीन अगर आप कोई भी जॉब करती हैं या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सकती हैं। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इन बिटवीन इसमें आपको वो अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं जो आपके करियर को, आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा रोशन कर सकते हैं। एब्रॉड जाना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर के मंथ आपके लिए बेस्ट साबित हो रहे हैं ट्रैवलिंग के हवाले से, जो स्टार आपको आगे कामयाबियों की तरफ लेकर जाने में सपोर्ट कर सकते हैं उसमें पाइसिस, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई के हवाले से मैं आपको स्टोन रेकमेंड करूंगा, यू कैन वेयर कैट्स आई लेंसेनिया वेयर कर सकती हैं 5-6 कैरेट का पेंडेंट फॉर्म में, या फिर लिटल फिंगर में आप वेयर कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य अलम नशरा एंड सूर्य कौसर की तिलावत किया करें, नजरें बस से बंदिश आ से सेफ रहेंगी और आगे इंशाल्लाह कामयाबियों के हवाले से
आगे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, अच्छे लोगों का साथ रहेगा। 2012 के एंड तक वो कामयाबी हासिल करना शुरू कर लेंगी जिसके लिए लास्ट पार 2-3 ईयर से स्ट्रगल कर रही हैं एंड कोशिश कर रही हैं। जी खवाजा नज़ार, जल्दी से हमें क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उसके बाद हमारे पास मजीद सरप्राइज भी है अदर देन दीज पाइथन। ये पाइथन तो मैं और अली तबस्सुम साहब अपने गले में डालेंगे। सी यू एट द साइड ऑफ द ब्रेकर आज सुबह अली सलमान शहवदास।